कल की जो घटना घटी थी क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं, तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इसके अतिरिक्त जो हमारे क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, और दोनों ही जो पक्ष हैं बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं, तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धुनी अंदर एक धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं, तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके बाद हमने उसको CRPC के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब यह है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा, और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। मेरा मानना है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी, ऐसे समय में प्रशासन का जो पहला कर्तव्य एकमात्र होता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और कानून व्यवस्था आप देखो कि शांतिप्रिय ढंग से गए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही था और वो ऑब्जेक्टिव अपन प्राप्त करने में सफल हुए। घटनागढ़ थाने में दो मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से किया है, अगर उसमें आरोपी बनाया है, अभी तो अनजान लोगों के खिलाफ FIR है, CCTV ले लिए हैं, वीडियोग्राफी ले ली है, उसमें जो जो लोग भी दिखेंगे, कोई पत्थरबाजी कर रहा है या कोई और असामाजिक चीज़ कर रहा है, गैर कानूनी चीज़ कर रहा है, तो उसमें उसके ऊपर राजकार्य में बाधा और अन्य पत्थरबाजी की जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो जगह उसको लेके पोजेशन को लेके अभी गेट बंद है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, तो उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस दौरान अगर वो कोर्ट पे चले जाते हैं और आ जाता है तो कार्रवाई पोजेशन की नहीं हो पाएगी। देखो, कोर्ट में जाना सभी का अधिकार है, कोर्ट में जो निर्णय होगा उसकी पालना हम सबको करनी पड़ेगी। सर, अगर कल अगर विश्वास सिंह जी वापस अगर आते हैं अपने समर्थकों के साथ दोनों दर्शन को लेकर, उसको लेकर क्या व्यवस्था है, क्या उनको रोका जाएगा या क्या? सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों की आपस में बात कराने की कोशिश करेंगे। हमने दोनों से 5-5 प्रतिनिधियों की लिस्ट मांगी है, उन 5 प्रतिनिधियों की हम एक बार मीटिंग कराएंगे, और मेरा मानना है कि सहमति से रास्ता निकल जाएगा।